Welcome to Economics Window by Garima Singh. In this chapter, we'll be doing the map activity of chapter number three of history: Nazism and the Rise of Hitler. Okay. So from this chapter, you will get the question to mark the World War One country or World War Two countries that we have already done in our previous video. So here we'll be doing the last question from the map activity, which is marking the territories under the German expansion or the Nazi power. तो हमें जर्मन टेरिटरीज को मार्क करना होगा इसके अंदर जो मेजर लोकेशन है वो है ऑस्ट्रिया पोलैंड चेको स्लोविकिया जिसके अंदर हम स्लोविकिया को ही मार्क करेंगे लिथेनिया फ्रांस एंड बेल्जियम फ्रांस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वर्ल्ड मैप में कहाँ है हम मार्क भी कर चुके हैं रेस्ट ऑस्ट्रे भी हम मार्क कर चुके थे ऑस्ट्रिया को बाकी अभी कंट्रीज अभी हम देखेंगे सो फॉर दिस फॉर दिस मैप एक्टिविटी यू नीड टू बी टेकिंग आउट दूरोप पोलिटिकल मैप ओके तो हमें कौन सी टेरिटरी मार्क करनी है जर्मन टेरिटरी जो कि नाजी पावर के अंडर थी सबसे पहले हम मार्क करेंगे फ्रांस जो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके थे फ्रांस के ऊपर ये जो छोटा सा एक कंट्री दिखाई दे रही आपको, है आपको बहुत ही छोटी टेरिटरी है विच इज़ बेल्जियम जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है अगेन फ्रांस के बाद अगर आप इफ यू मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड आप एक पार्ट एक ये कंट्री वाला पार्ट छोड़ना है आपको और नेक्स्ट ये जो आएगी दिस इज ऑस्ट्रिया ओके okay, आप मैप लें साथ साथ मार्क करते जाए लुक एट दीडियो और पॉज दीडियो सो दैट इट इज इज़ी फॉर यू टू फाइंड आउट एंड मार्क राइट उसके बाद हम मार्क करेंगे ऑस्ट्रिया को लगते ही ये जो टेरिटरी है ये कौन सी है स्लोवेकिया है और स्लोवेकिया के जस्ट अबव ये जो इतने बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज पोलैंड एंड पोलैंड के ऊपर ये जो छोटा सा फिर एक जो एरिया आएगा दिस इज लिथेनिया तो आपको पता चल गया होगा लुथेनिया पोलैंड स्लोवेकिया एंड ऑस्ट्रिया एक दूसरे के साथ टेरिटरी शेयर कर रहे हैं और यहाँ जब हम बात करते हैं बेल्जियम और फ्रांस की वो भी अपनी टेरिटरी शेयर कर रहे हैं अब ये टेरिटरी शेयर करने वाली बात क्यों बताई है ताकि आप इजीली मार्क कर पाओ आप एक सीक्वेंस लर्न कर लेना कि आपको ताकि इजी हो जाए लोकेशन मार्क करने के लिए लुथेनिया पोलैंड स्लोवेकिया ऑस्ट्रिया or belgium and france so these were the location from the german territories and by this video we have completed all our map activity from our history portion i hope you have understood and by now you have already marked the locations also also guys thank you for watching economics window by garima singh and if you enjoyed doing this map activity then do not hesitate to press in that thumbs up icon and also please comment down below how did you find this video Thank you for watching Economics Window by Garima.